कैसे हैं व्यूवर्स? रिसेंटली जॉब जो है वो अपलोड हुई है, जो हम लोगों ने पोस्ट करनी है 20 से पहले पहले। और हमारी जो फाउंडेशन है वो किस चीज़ की जॉब किस चीज़ की है? एट द सिटीजन फाउंडेशन। अगर तो आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, आप विलिंग हैं, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारा का सारा तरीकेकार बताने वाली हूँ कि हम लोगों ने इसके अंदर फाउंडेशन मैनेजमेंट हैदराबाद की जॉब के अंदर किस तरह अप्लाई करना है, कौन सा शख्स जो है इस पोस्ट के लिए विलिंग है, उसकी क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, वो किस सिटी का है, TA DA दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो सारे का सारा मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताना है। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो तक जुड़े रहें। तो ये आ गया हम लोगों का सिटीजन फाउंडेशन TACF, जिसके अंदर उनको चाहिए रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर। उनको क्या चाहिए कि एक रीजन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर चाहिए, जो ओवरऑल उनका वर्क जो है वो संभाल सके। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जो ये पोस्ट है, इसके लिए जो बंदा चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो हम लोग देखते हैं, द इंक्रीमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग रिपेयर मेंटेनेंस प्रोसेस फॉर स्कूल बिल्डिंग, सपोर्टिंग मॉनिटरिंग सप्लाई चेन फंक्शन फॉर स्कूल्स एंड एरियाज, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद कम्युनिटी मेंबर्स एंड सपोर्टिंग एरिया मैनेजर इन ओवरसी द डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी एजुकेशन एंड स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशंस। अब वो बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो उसके पास जो तजुर्बा है ना, बंदे के पास वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर का तजुर्बा जो है वो उसके पास होना ज़रूरी है, और मास्टर्स जो है वो उसकी एजुकेशन हो। ये दो चीज़ें होने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि भाई रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या हो, वो कोऑपरेटिव हो, स्कूल्स का विजिट जो है वो लाजमी करेगा, जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो उनके पास भी जाएगा, और ये सारे का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इस मैनेजर की है कि उसको जो रिलेशनशिप है वो स्कूल्स के साथ अच्छा हो, बाहर की कम्युनिटी के साथ अच्छा हो, एरिया मैनेजर के साथ भी उसका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो, और वो एक रिस्पॉन्सिबल शख्स हो। इसके साथ 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, मास्टर्स जो है वो एजुकेशन है। और अगर आप इस जॉब्स के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं कि ये जो जॉब है इससे रिलेटेड क्या क्या है, तो आपने क्या करना है, careers.tcf.organic.pk/job6x7 सेम टू सेम यही वर्ड्स लिखकर आपने इसकी जो डिटेल्स है वो चेक कर लेनी है, और अप्लाई किस तरह करना है, और उसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। देन उनको जो दूसरी पोस्ट है वो है एरिया एजुकेशन मैनेजर की। इसका क्या काम होगा कि ये स्कूल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ों की जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हमारे, वो जाकर प्रोवाइड करेगा। और ये फीमेल कैंडिडेट चाहिए, मतलब उसके लिए मेल फीमेल कुछ भी है, लेकिन इसके लिए एरिया एजुकेशन मैनेजर के लिए यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर दिया कि फीमेल और 3/4 ईयर का उसके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। और ये सेम टू सेम उसी तरह फॉर अ डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन के, अगर आपने इसके बारे में मज़ीद जॉब्स अप्लाई किस तरह करना है, तो आपने क्या करना है कि careers.tcf.organic.jobs पर जाकर आपने अप्लाई कर देना है। तो लास्ट में ओवरव्यू ये है कि सिटीजन फाउंडेशन जो है वो एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, और वहाँ पर उनको दो पोस्ट चाहिए, फर्स्ट रीजनल और सेकंड जो है वो एरिया, एरिया के लिए फीमेल है, और ऊपर दूसरी पोस्ट पर फर्स्ट पोस्ट के लिए मेल है। तो जो लोग विलिंग है वो इस जॉब के लिए लाजमी अप्लाई करें, और स्पेशली जो लोग हैदराबाद से हैं तो वो तो लाजमी करें, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको वेस्ट मत करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।